मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम हैं सूरजकुंड पार्क मेरठ और इस जगह से कोई अछूता नहीं है। ये भारत की वो जगह है जहाँ पर सारे खेल प्रेमियों के लिए, ये तमाम पीछे एक दुकानें देख रहे हैं, खेल का सामान निर्माण किया जाता है। और अभी मार्केट बंद है, टेम्परेचर बहुत डाउन है, ठंडा हो रहा है, कोहरा है, लेकिन शहर में होने के कारण यहाँ ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन धुंध है, अभी धूप नहीं निकली है, 10 बज चुके हैं और चलते हैं आपको इस मार्केट में से भी खूबसूरत जगह। मार्केट के साथ जो खूबसूरत जगह है वो है यहाँ का सूरजकुंड पार्क। चलिए इसके अंदर एंटर होते हैं और दिखा दें कैसा खूबसूरत पार्क है ये सूरजकुंड पार्क मेरठ। और ये इसका एंट्रेंस गेट, और ये देखिए अंदर जाते ही इतना खूबसूरत मीनार है जिसपे इसमें फ्लैग लगाया जाता है भारत का। और ये बहुत खूबसूरत बना है ये सीढ़ियाँ। अब चलेंगे हम पार्क का थोड़ा सा मुआयना कर लें, कितना खूबसूरत पार्क है देखेंगे आप भी, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और सुबह सुबह घूमने वालों के लिए, खेल प्रेमियों के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। और अंदर से शुरू करूं या किनारे से शुरू करूं, मैं थोड़ा सा इतना कंफ्यूजन है ना, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जगह दिखा दूं, इसलिए मैं किनारे वाले रोड पे चल दिया हूं। अब कोई गाड़ी इसके अंदर ना आए इस वजह से इसमें सीढ़ियां बनाकर जो है नीचे की तरफ ये बनाया गया है। और शुरू में यहाँ एक तालाब हुआ करता था जिस कारण ये सब खराब हो गया था, लेकिन उसको पाट के जो है इसको बहुत खूबसूरत बनाया गया है। सुबह की सैर जो लोग करने आते हैं उनके लिए तो बहुत ही खूबसूरत जगह, शहर के बीचों बीच ये। और ये बीच में एक कुंड जैसा बनाया हुआ है, इसमें पानी आनी डाल के वाटर स्पोर्ट्स वगैरह की सुविधा है। ये देखिए बैडमिंटन कोर्ट इस पार्क के अंदर, जो लोग बैडमिंटन खेलना चाहते हैं वो इसमें अपना सुबह की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये तमाम लोगों के बैठने के लिए जगह। और एक पार्क ही है जिसमें हेल्थ का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, छोटी सी मशीन, इसमें दो मशीनें लगाई हुई हैं, दो नहीं तीन मशीनें इसमें हैं। ये देखिए सुबह अपना आइए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के बाद, उसके बाद थोड़ी सी जिम एक्सरसाइज भी आप कर लें। और ये सब में टाइल्स वाइल्स लगाया हुआ है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, बहुत खूबसूरत सजवाया है इसको नगर निगम मेरठ द्वारा, इसकी देख रेख होती है। पीछे की तरफ रोड है और रोड से लगा हुआ ये मंदिर हनुमान जी का मंदिर है। और बीच में भी एक स्पॉट है, ये हम लास्ट में आपको दिखाएंगे, जिसमें लाइटिंग सिस्टम है। अभी हम किनारे किनारे एक चक्कर लगाते हैं और पूरे पार्क का नज़ारा जो है आप लोग देख सकेंगे यहीं से। यहाँ तो कुछ लोग अपना क्रिकेट का मज़ा ले रहे हैं, बच्चे आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं और खेल के साथ साथ अपनी फिजिकल फिटनेस भी हो रही है। अब बढ़ते हैं आगे, 10 बज गया है तो लगभग लगभग घूमने वाले जो है वो लगभग सब चले जाते हैं। और सुबह के वक्त और शाम के वक्त ये बिल्कुल पार्क भरा रहता है, हम थोड़ा देर से आए इस वजह से जो है यहाँ बहुत कम लोगों की चहलकदमी हमको दिखाई दे रही है। और ये पीछे की ओर हम इसके आ गए हैं पार्क के, खूबसूरत हट्स भी बने हुए हैं यहाँ जगह जगह पर। और ये यहाँ पीछे का गेट, एक सामने गेट था और एक ये पीछे का गेट है, अमृत योजना के तहत जो इसको संवारा गया है पार्क को। और उसके जस्ट पीछे रोड है और रोड के पीछे प्राचीन देवी मंदिर का एक बोर्ड लगा हुआ है। और देखिए
पेड़ों से भी इसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत किया गया है। दोनों ओर इस रोड है और इसके बीच में जो है पेड़ों से इसको सजाया गया है। ये देखिए बिल्कुल गोलाई में लेकर, और ये रोड है और बीच में एक स्टैचू भी है। अभी जहाँ हम आपको लेकर जाएंगे, ये जो है चिल्ड्रन पार्क ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ लगभग लगभग झूले हैं जो छोटे बच्चों के लिए हैं और तमाम इसमें जो है बच्चे इंजॉय करते होंगे। ये देखिए, और एक बहुत बड़े एरिया में ये पार्क है, ये चिल्ड्रन पार्क होगा। बढ़ते हैं आगे, और सुबह के हिसाब से जो जो चीज़ें ग्राउंड्स में फिजिकल फिटनेस के लिए होनी चाहिए वो सारी लगभग यहाँ उपलब्ध हैं। और इसके ये देखिए दूसरे कॉर्नर्स में हम पहुँचे हैं। जो पहला कॉर्नर्स में हमने वो एक फ़िजिकल फिटनेस वाला वो देखा था, ये बस जस्ट उसके अपोजिट में है। और ये देखिए यहाँ भी वही कंसेप्ट है, साथ ही यहाँ टॉयलेट की सुविधा है। ये देखिए जिसमें हम अपनी सेहत को और दुरुस्त कर सकते हैं, अपने डोले सोले बना सकते हैं। और ये आ गए हम बिल्कुल एकदम पिछली तीसरी साइड, इसके पीछे रोड है और चारों तरफ इसके रोडें हैं और बीच में ये बना हुआ है। और ये यहाँ से कुछ ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा है। आज मौसम ख़राब होने के कारण, कोहरा होने के कारण बहुत धुंध सी है, इसलिए बहुत ज़्यादा जो है चमकना जैसा नहीं हो रहा है मौसम का। लेकिन हाँ ये है कि हम सब कुछ दिखा सकते हैं, देख सकते हैं, और हमारा उद्देश्य है कि आप वीडियो को देखकर बहुत एंजॉय करें, साफ़ सुथरी वीडियो आप देखें। और लगभग लगभग चारों ओर का इसका नज़ारा हम आपको दिखाएं और इसकी जानकारी आपको मिल सके। एक यहाँ सिद्धपीठ बृहस्पति देव मंदिर भी है, ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल लगा हुआ है। और इससे जो है यहाँ से ये दरवाज़ा है, इसको थोड़ा तोड़ा भी गया दीवार को, और ये मंदिर है। और मंदिर के पीछे जो है रोड है, जो हमारी जेल रोड की तरफ रास्ता ये जाता है। ये देखिए ये मंदिर, और हम अब चौथे कॉर्नर की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल गोलाई में लिया हुआ या स्क्वायर कह सकते हैं हम, के ये पूरा पार्क बनाया हुआ है और काफ़ी साफ सुथरा पार्क है। अमूमन बड़े शहरों में थोड़ा सा बच्चे गंदगी कर देते हैं, लेकिन उसके कंपेरेटिवली ये बहुत काफ़ी साफ़ है। इसकी देखभाल के हिसाब से लगता है कि काफ़ी साफ़ सुथरा बना है। बहुत खूबसूरत खूबसूरत पेड़ जो है इसके अंदर हैं, और गर्मियों के मौसम में जो है इनके नीचे बैठकर जो है हम मौसम का मज़ा ले सकते हैं। और ये हमारे कुछ बच्चे, ये भी जो अपने आनंद ले रहे हैं, साथ ही हमारे कुछ सुबह के मॉर्निंग वॉकर जो इंजॉय करते हैं सुबह वॉक करके, वो लोग भी साथ हैं। और ये अब आ गए हम चौथे छोर पे, यहाँ कुछ एम्प्लॉयज़ के क्वार्टर्स हैं एक दो। और ये इसके पीछे की तरफ जो रोड है वो हमारा सूरज के रिस्पोर्स मार्केट, और जहाँ से हमने ये वीडियो शुरू किया था लगभग हम वहीं पहुँच रहे हैं। और लेफ्ट साइड में इस तरह के तमाम पार्क यहाँ पर बनाए हुए हैं। देखिए ऐसा ये अपोजिट साइड से दिखता है हमारा सूरज कुंड पार्क। ये एंट्रेंस गेट है जो हमने स्टार्ट में आपको दिखाया था, और इसके पीछे जो है तमाम आइस पोस्ट मार्केट है। और यहाँ पर भी एक शिलालेख बनाया है सूरज कुंड पार्क के नाम से। और चलिए अब दिखा दें आपको इसका मेन बिंदु जो है, यहाँ दो बहुत बड़े बड़े जो है पिलर्स ये लगे हैं जिसमें फ्लैग होस्टिंग होती होगी, और साथ ही तमाम प्रजातियों के यहाँ पर देखिए पेड़ भी लगाए हैं इसको सुसज्जित करने के लिए। हेलो, क्रिकेट खेल लो तुम लोग, क्रिकेट खेल लो, वेरी गुड।
हैं, कैच कैच खेल रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा यूट्यूब चैनल है। चलो आप अपना परिचय दो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम देव है। देव, और तुम्हारा क्या नाम है? प्रियांशु। क्या करते हो तुम लोग, पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो? अच्छा, डेफोडिल स्कूल में। अच्छा, तो आजकल, अच्छा छुट्टी है आजकल, तो एंजॉय कर रहे हो? है हाँ, क्रिकेट खेलने आते हो? क्रिकेट, अच्छा सुबह घूमने उमने भी आते हो? एक्सरसाइज वगैरह करते हो यहाँ? अरे वाह, कितनी भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। चलो ठीक है, आप ही अपना वीडियो देखना हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलाते हो यूट्यूब? हाँ, हमारे चैनल का नाम है स्पोर्ट्स फैक्ट्री बॉक्सिंग, बॉक्सिंग ठीक है, सूरज कुंड के नाम से आएगा। देखिए आप लोग हैं, और इन्जॉय कीजिए। चलिए, हैव ए गुड डे। चलिए चलते हैं आप इसके, हाँ आप लोगों की फ़ोटो आएगी इसमें, इसके मेन पॉइंट पर। और ये भी इसमें साफ़ सफाई हो रही है, मुझे लग रहा है बहुत कुछ इसका, बिल्कुल काफ़ी इम्प्लॉयज़ यहाँ लगाए हुए, लग रहा है सुपरविज़न चल रहा है, कुछ हो सकता है प्रोग्राम हो। और यहाँ पर एक टाइम पे पानी भी जो छोड़ा गया था बोटों के साथ, ताकि ये इसको थोड़ा सा जलाशय का रूप देके इसको इन्जॉय किया जा सके। और बहुत खूबसूरत देखिए इसका फुटपाथ है, और बहुत सुंदर बनाया हुआ है। और ये स्पॉट बनाए हुए चार, यहाँ पर भी ये एक अलग ही खूबसूरती जो है इसमें दिखाई दे रही है। और स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू था जो हमने पीछे से देखा था, तो देखिए आप इतना खूबसूरत स्टैचू उसमें बीच में बनाया हुआ है। और एक पोल ये है जो बिजली सप्लाई होती है, इससे क्या है कई जगह ये पोल लगाए हुए हैं। देखिए एक पीछे भी दिखाई दे रहा है, और उस साइड में भी है, और इसमें फ्लैग होता है, और एक ये बिजली का पोल है। और पूरे अंदर आना, कौन सा गेट सा होगा, पूरे सूरजकुंड पार्क को जो है ये बिजली से जो है एकदम साफ़ सुथरा दिखाई देने के लिए तमाम लाइट्स लगी हुई हैं। और उसी तरह इसकी साफ़ सफाई भी हो रही है, देखें जैसे मैं आपको बोल रहा था बहुत खूबसूरत है। और यहाँ से चारों तरफ आप देख सकते हैं, कई काफ़ी ग्राउंड्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। देखिए अगर हम काउंटिंग करते तो पहला ग्राउंड ये है जो जिधर से हमने शुरुआत की थी, लेफ्ट साइड से एक ग्राउंड ये, उसके बाद ये दूसरा, और उसके बाद पीछे देखेंगे तो ये तीसरा बड़ा ग्राउंड, और ये चौथा बड़ा ग्राउंड, ये पांचवा ग्राउंड, और ये पांच ग्राउंड इसमें बहुत बड़े बड़े हैं। और चारों तरफ ये देखिए जलाशय वाली व्यवस्था यहाँ पर शुरू में हुई थी, लेकिन अब इसको शायद मेरे ख्याल में बदल दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से ये इसमें ये फुलवारी वगैरह लगाई गई हैं, ये देखिए जो बाड़ लगाई है, तो उससे मुझे लगता है कुछ नया रूप देने का प्रयास इसमें चल रहा है। और ये छोटे छोटे पत्थर भी छोड़े गए हैं इसमें भी, जो गोल चिकने पत्थर होते हैं। और पूरे सूरज कुंड का नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हैं, इतना खूबसूरत दिखाई देता है। और आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें जो लोग नए व्यूवर्स हैं हमारे, और साथ ही लाइक भी करें, कमेंट्स करेंगे तो हमारे लिए उत्साहवर्धन होगा। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।